देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मऊ जिले की तहसील मधुबन में जो साल 1998 में अस्तित्व में आई और आज भी भवन और दूसरे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ना तो ट्रेजरी दफ्तर है, ना ही बातकारी और अधिवक्ताओं को बैठने की जगह। साल 1998 से ही उप शिवंदक कार्यालय तहसील परिसर में चल रहा है। उसे भी तहसील से 1 किलोमीटर दूर खीरी कोठा गांव में स्थापित किए जाने का गुपचुप कार्रवाई एसडीएम द्वारा किया जा रहा था, जिसकी खबर मिलते ही अधिवक्ता आंदोलित हो गए। बार के अध्यक्ष मंत्री ने एसडीएम से वार्ता की कि ये, लेकिन एसडीएम के अड़ियल रवैये के चलते मामला बिगड़ता जा रहा है और इस संबंध में एसडीएम निरंकार ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय के लिए शासन से 500 वर्ग मीटर जमीन मांगी गई जो तहसील परिसर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए खीरी कोठा गांव में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मधुबन तहसील का दफ्तर क्यों हड़ताल पर है? स्टेट दफ्तर जो है यहाँ से हट रहा है और वहीं सुनसान इलाके में जा रहा है, इससे लोगों के नुकसान होगा, डकैती होगी, चुनौती होगी, इसलिए अधिवक्ता जनता के हित के लिए लड़ रहा है। यहाँ के अधिवक्ता क्यों हड़ताल पर है? मधुबन तहसील के अधिवक्ता इसलिए हड़ताल पर है कि यहाँ कम से कम 17-18 साल से रजिस्ट्री ऑफिस तहसील परिसर में बनी हुई है। अब इसको एसडीएम महोदय अपने मनमाने रवैये से यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, जहाँ अधिकारियों को, लिखाने वाले को, लेखकों को तमाम तरह की परेशानी आने वाली है। इस बात से इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल गुडविल में रहना चाहते हैं, ये केवल फोटो खिंचाते हैं और अखबारों में रहते हैं, अदालत का कोई काम नहीं करते हैं तो केवल निबंधक ऑफिस बनना है वो तहसील के अंदर ही बने, तहसील परिसर में ही बने। और जैसा कि शासन का लेटर आया है कि उसके लिए जमीन 500 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, 500 वर्ग मीटर जमीन इस तहसील के अंदर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया, प्रयास किया, लेकिन कहीं भी, क्योंकि ये भी तहसील भी निर्माणाधीन है और नक्शे के हिसाब से कहीं भी 500 वर्ग मीटर जमीन शेष नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मार्केट मधुबन मार्केट के बगल में ही रोड पर एक जमीन है उसी को चिन्हित करके प्रस्ताव भेज दिया। उसी में जो हड़ताल चला है इसमें आप पालन क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए? हम लोगों ने कल भी बात हुई थी संघ के अध्यक्ष मंत्री जी से, कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आप हमारी मांग को अगर ऊपर भेज देते हैं तो हम मान जाएंगे कि हमको कोई फिर हम अपनी ऊपर अपनी बात कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि हम आपकी बात मांग को, जो आपकी इच्छा है वो लिख कर हम उच्च अधिकारियों को भेज देंगे और उसको आज ही हम भेज देंगे। ठीक। वही मधुबन अधिवक्ता संघ के मंत्री तारी कि जमीन का कहना है कि तहसील में जमीन उपलब्ध है, एसडीएम जानबूझकर दफ्तर हटवा रहे हैं और इतना ही नहीं, जब अधिवक्ता संताल पर हैं तब टकराव बढ़ाने के लिए जबरिया कोर्ट कर रहे हैं। अधिवक्ता सत्येंद्र पांडे का कहना है कि एसडीएम भ्रष्ट है, मनमानी कर अधिवक्ताओं से बेवजह टकराव हो रहा है, फिलहाल अभी कहीं से भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही, अधिवक्ता आर पार के मोड में है। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।